अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी जिसका नाम है कोल्ड सैंडविच। कोल्ड सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसिस, 500 ग्राम मैंने चिकन लिया है बोनलेस, एग्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और मायो। सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेंगे। चिकन बॉईल करने के लिए मैंने एक प्लेटर लिया है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट का और इसको 2-3 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। एक तरफ मैंने एग बॉईल करने के लिए पानी रखा है, इसमें मैं एग डालूंगी 6 अदद। चिकन के लिए जो हमने पानी रखा था वो गर्म हो गया, इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, अब इसको मैं निकाल के तो आपको दिखाती हूँ। एग्स भी बॉईल हो गए हैं, इनको भी मैं निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चिकन और एग्स दोनों चीज़ें बॉईल हो चुकी हैं, अब इनको मैं चिकन को स्ट्रेट करूँगी और एग्स को मैं पील ऑफ करके तो आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने स्ट्रेट कर लिया है और एग्स को मैंने पील ऑफ कर लिया। अब एग्स को भी मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ। एग्स को भी मैंने स्ट्रेट कर लिया, अब इसके अंदर मैं डालूंगी मायो। और इसको मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको मैं एक प्लेटर में निकालूंगी। इसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया है, अब मैं चिकन को मिक्सचर करूंगी और इसमें मायो डालूंगी। मैंने चिकन ले लिया, अब इसके अंदर मैं मायो डालूंगी। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट और 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालूंगी इसके अंदर और इसको मिक्स करूंगी। इसको मैंने मिक्स कर लिया, अब इसको मैं प्लेटर में डालूंगी। एग्स का मिक्सचर, चिकन का मिक्सर एंड ब्रेड्स। अब इसको मैं एक प्लेटर लूंगी, एक प्लेन प्लेटर ले लिया है, इसके ऊपर मैं ब्रेड का पीस रखूंगी। एक ब्रेड का पीस लिया है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसके एजेस काटेंगे कि नहीं या नहीं, या ऐसे ही बना लेंगे। मैं इसके एजेस काट रही हूँ, आप इसके एजेस नहीं भी काट सकते। इसके एजेस को मैं काट कर इसको ब्रेड क्रम्स बना के सेव कर लूंगी। इन सबको मैंने इनके एजेस काट दिए हैं, अब इसके ऊपर मैं इनकी फिलिंग करूंगी। एग वाला जो मिक्सचर था वो लगाएंगे सबसे पहले।
फिर इसको साइड पे करेंगे। चिकन वाला एक लेंगे मिक्सचर, इसको ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर अगेन। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे खाने या तो इसकी कटिंग कर ले। मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये मैंने इनकी कटिंग कर ली है। ये मैंने प्लेटर लगा लिया एक पे, मैं इसके ऊपर अगेन इसको साइड पे करूंगी और चिकन इसके ऊपर लगाऊंगी। इसके ऊपर रखेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे। इसकी कटिंग काट देंगे। जी तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी तैयार है कोल्ड सैंडविचेस की, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और ये बहुत टेस्टी बने हैं। होप आप भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।